जय मसीह की दोस्तों, गुड इवनिंग। इस शाम के समय में एक और बार खुशी के साथ आप सबको इस चैनल में मैं स्वागत करता हूं। आप सबका स्वागत है। आज भी हम लोग बाइबल में से कहानी को हम लोग ध्यान करने वाले हैं, दीना के बारे में हम लोग ध्यान करने वाले हैं। तो आप सबको मैं स्वागत करता हूं खुशी के साथ। आप लोग लगातार जुड़े हुए हैं, प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष करें। आपका कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो जरूर कमेंट में आपको बता दिया करिएगा, हम लोग आप लोगों के लिए प्रार्थना करते रहेंगे। मेरे प्रियो, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप में कोई नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब हम लोग वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन आएगा और आप लोग हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकते हैं। तो आइए हम लोग इस कहानी को शुरू करेंगे। क्या आप इस तस्वीर में दीना को देख सकते हैं? वह किनसे मिलने जा रही है? कनान देश की कुछ लड़कियों से, उनकी सहेलियों से। आपको क्या लगता है, अगर यह बात दीना के पिता याकूब को पता चलती तो क्या उसे अच्छा लगता? इसका जवाब जानने के लिए याद कीजिए कि याकूब का पिता इसहाक और उसका दादा इब्राहिम कनान देश की लड़कियों के बारे में क्या सोचते थे। क्या इब्राहिम चाहता था कि उसका बेटा इसहाक कनान देश की किसी लड़की से शादी करे? नहीं। क्या इसहाक और रिबका चाहते थे कि उनका बेटा याकूब किसी कनानी लड़की से शादी करे? हरगिज नहीं। जानते हैं क्यों? वह इसलिए क्योंकि कनान देश के लोग अच्छे नहीं थे, वे झूठे देवी देवताओं की पूजा करते थे। इस वजह से उनसे ना तो शादी करना ठीक था और ना उनके साथ मिले रहना। तब तो हम जरूर कह सकते हैं कि दीना का कनानी लड़कियों से दोस्ती करना याकूब को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। जानते हैं उन लड़कियों से दोस्ती करने से दीना के साथ क्या हुआ? वह मुसीबत में फंस गई। कैसे? क्या आप तस्वीर में उस लड़के को देख सकते हैं जो दीना की तरफ देख रहा है? उसका नाम शकेम है और वह कनान का रहने वाला है। एक दिन जब दीना अपनी सहेलियों से मिलने आई तो शकेम दीना को अपने साथ ले गया और जबरदस्ती उसके साथ सोया। यह बहुत ही गलत बात थी। जब दीना के भाइयों को इस बात का पता चला तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। उसके दो भाई शिमोन और लेवी तलवार लेकर शहर में घुस गए और वहां के आदमियों का कत्ल करने लगे। फिर बाकी भाइयों ने भी उनका साथ दिया। जब याकूब को अपने बेटों की इस तरह का हरकत का पता चला तो वह बहुत नाराज हुआ। आखिर सारी मुसीबतों की जड़ क्या थी? दीना का उन लोगों के साथ दोस्ती करना जो परमेश्वर की बात नहीं मानते थे। इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? यही कि हमें भी ऐसे लोगों के साथ संगति नहीं करनी चाहिए जो यहोवा को नहीं मानते, जो परमेश्वर का भय नहीं मानते। उन लोगों के साथ हमें संगति नहीं करनी चाहिए, जितना हो सके उनके साथ उनसे हम लोग दूर रहे। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐसे आशीष करे और परमेश्वर हमें सहायता करे कि हमें परमेश्वर ऐसे लोगों को दे जिनको हम प्रभु के बारे में बता सकते हैं, और ऐसे लोगों को परमेश्वर हमें दे जो प्रभु में हैं, प्रभु का भय मानते हैं, और ऐसे लोगों को दे जब हम उनको सुसमाचार बताते हैं, प्रभु के बारे में बताते हैं, वो लोग उसको ग्रहण करें और परमेश्वर का आदर सम्मान करने वाले हो सके। हालेलुया, प्रभु आप सबों को आशीष करें। ऐसे ही बाइबल की कहानियों को हम लोग लगातार लेके आते रहेंगे और आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से पहुंचाते रहेंगे। कृपया एक और बार मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अगर कोई नए हैं कृपया सब्सक्राइब करना और चैनल को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि हम लोग नया वीडियो डालते समय आपको नोटिफिकेशन आएगा। प्रभु आप सबों को बहुत ऐसे आशीष करें। मिलते हैं एक और नई बाइबल की कहानी से
और अपना ख्याल रखना। गॉड ब्लेस यू।